यूएफए नेशंस लीग नहीं, यूएफए अंसु फाती लीग। सही में मतलब मुझे एक टाइम पे लगा था कि अंसु फाती का विनीशियस से कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि विनीशियस थोड़ा अबव है ना, मुझे लगा थोड़ा रोड्रिगो के लेवल पे अंसु फाती, बट नहीं, मुझे माफ करना ओम साई राम। हेंचोद यूक्रेन वर्सेस स्पेन में सब कुछ दिखा, लिटरली उसका शो था। मतलब तुम ओवरहेड बोलो, तुम लेफ्ट बैक कोरंडी का नाच नचाना बोलो, तुम स्किल्स बोलो, तुम सब, तुम पेनिट्रेशन बोलो, भाई क्या है। लिटरली कल रात का मैच कुछ ज्यादा ही फार था, आज रात का काफी कैप्टिवेटिंग एंड एक शो था विच ही पुट ऑन 17 साल की छोटी लुल्ली। हाथ खड़े कर दी भाई। बट खैर, जैसे कि तुमने टाइटल पढ़ा वीडियो का, कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, उससे पहले बिट्टू एट योर सर्विस। तो जब मैंने आयाक्स की जर्सी का प्रदर्शन किया लाइव, काफी लोगों का मुझे मैसेज आया कि भाई क्या हो गया, कहाँ से ये जर्सी खरीदी। तो मैंने बताया कि shopfootball.in से, एंड तो बोल रहे कि क्या वो रिलायबल है ये सब चीज़ें, एंड हाँ है, कहाँ गया ये रहा, क्या ये रिलायबल नहीं है, ये क्या है, क्या बुरा है इसमें, कतल मटेरियल, रेप्लिका है, रेप्लिका है, नॉट ओरिजिनल, रेप्लिका है, ओरिजिनल पता नहीं मुझे, बट स्पॉटलाइट थोड़ी ब्राइटनेस जल्दी। हाँ, YJ10 कूपन कोड यूज करो। यस मॉम, आई मेड इट। YJ10 कूपन को यूज करोगे shopfootball.in पे जाके, उनका इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, यू कैन DM देम एंड यू कैन बाय योर फेवरेट जर्सी एंड गेट 10% ऑफ। नाउ कोविड के टाइम में हर किसी के लौड़े लगे पड़े, तो ये धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ेगी, इजी एंड एंजॉय, तुमको लगभग 900 में मिल जाएगी जर्सी, विच इज कंसिडरिंग द क्वालिटी, इन माई ओपिनियन गुड। बाकी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आगे बढ़ते हैं। बिट्टू कपड़े दिखा, सेल्समैन बेंच। बट खैर, अगेन काफी लोगों की एक और डिमांड कि क्या हो गया, मेसी क्या हो गया भाई, बारसा फैन है क्या, तू मड्रिड फैन है, तू मड्रिड को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मड्रिड पे वीडियो बना, जब से सिटी से ऑब्वियसली चुदाई हुई, जब से लाइव आके आंसू टपकाए गए जो भी बकचोदी है, एंड गायब हो गया तू, तो मड्रिड का कुछ नामो निशान ही नहीं है। खैर ये लो, एक्चुअली मड्रिड की वीडियो मैं थोड़ी लेट बनाने वाला था, बट स्पार्क आया। स्पार्क पता कैसा आया, मेरे भाई से, मेरा भाई कति विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, तमीज इजी, लिटरली जब से मतलब गायब ही था, अभी तो पूरे महीने तो कुछ था ही नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन उबासिया लेने के बाद उठ गया है मेरा भाई, मेरा शेर बंदरिया का। ऑब्वियसली उसने कॉमेंट्स मारे, उसने बोला कि ही इज नॉट अप्रिशिएटेड, विच इज ट्रू डेफिनेटली, बट मतलब क्या प्रॉब्लम क्या मेन, क्या बेल दिम्बेले है, नहीं क्या बेल के डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, नहीं बेल की इंजरीज होती है ठीक है, बट मे बी अनलकी, मे बी द वे ही प्लेस जो भी है, बट क्या वो गेम खेलता नहीं, सब कुछ सही है, फिटनेस भी सही है, वो पानी पीता, तुम इससे बात कर, ना दारू ना सिगरेट, पानी। बट ऑल ऑफ अ सडन वो वेल्स में आके खुश है, बाल जटाएं फैला रहा है दबा के अपनी, एंड हर कोई बोल रहा है कि भाई क्या हो गया, तो वो क्लियरली बोल रहा है कि मड्रिड ने उसको ब्लॉक कर दिया, विच इज ट्रू, मे बी एसेंसियो के जाने के बाद मड्रिड ने उसका मूव ब्लॉक कर दिया, विच वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। बट भाई की वेजेस, माना भैया को इतने मौके नहीं मिले, बट जब मिले भी तो भैया ने इतना कुछ खास नहीं करा इस सीजन। अगेन भैया ने आगे मुती है इस ओकेजन पे, उस ओकेजन पे ठीक है, विच दिल पे है, बट भैया का टाइम आ चुका है, भैया हैज़ टू मूव ऑन। अब भैया कैसे जाएं, भैया को कौन खरीदेगा, ग्लोरी टॉटनम हॉटस्पर। काफ़ी र्यूमर्स ये भी निकल रहे कि मड्रिड उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी उसको सिर्फ भेजने के लिए, विच इज़ नॉट हैपनिंग ऑब्वियसली, मतलब पैसे भी देने पड़ेंगे उसको, तो भैया का 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट है, भैया आराम से मजे मारेंगे, गोल्फ खेलेंगे, थोड़ी इधर तो चांसेस मिल जाएंगी। अगेन चाहतों का ये सिलसिला चलता रहेगा, बेल यहाँ पे रुकेगा, अपनी वेजेस खाएगा दबा के एंड गालियाँ देगा जो भी है मनहूसियत, तुमको पता है, बट वी मूव, कोई तोड़ नहीं, अगर कोई खरीद सकता तो बढ़िया, नहीं खरीद सकते बैठो आराम से व्हील चेयर पर। बट यहाँ पे हमने नुस्खा छोड़ा कि बेल को कोई खरीदेगा नहीं, यानी कि बेल बाहर जाएगा नहीं, बट बाहर जाने की बात करें तो लाइनें लगी पड़ी है तमीज से, मटेड कितने मैच, 7-8 प्लेयर पता नहीं कितने बाहर चले जा चुके हैं, जा रहे हैं। ये मैं शुरुआत में न्यूज़ पढ़ी थी कि 100 मिलियन फंड्स जनरेट करने सेल से, हकीमी जा चुका है 45 मिलियन का, हामेज जा चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस गोल्डन बॉय, एंड ऑस्कर रोड्रिगेज जा चुका है सेविया 15-16-14 जितने का भी ठीक है। नॉट ओनली दैट, कूबो, रेनियर, सेबायोस, भैनचोद, ब्राहिम दियास, हर कोई लोन पे कट चुका है। नॉट ओनली दैट, रेगियोन, यूएफए यूरोपा लीग विनर रेगियोन इज ऑल्सो लिंक्ड टू यूनाइटेड, कैन हैपन एंड मे बी कैन साइन फॉर देम, कोई लोन वाली बकचोदी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मड्रिड के लेफ्ट बैक स्पॉट को मैं देखूँ और मैं रेगियोन हूँ, बिंडी फिट,
मार्सिलो नहीं जा रहा अभी, एक 22 तक कॉन्ट्रैक्ट है उसका, तो मैं क्या करूँ, मैं तो अभी यूरोपा लीग जीत के हटूँ ना, तो मैं तो आराम से यूनाइटेड जाऊँगा वहाँ के। जो एज अ मैड्रिड फैन वॉरियर है मेरा भाई कति, तो आई वुड वॉन्ट हिम टू एक्सटेंड हिज लोन एट सेविया अगेन, ताकि एक साल तक का और डीले हो जाए मार्सिलो, यू नो, तो देन मेंडी एंड रेगियन फाइट, देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है क्या वो हकीमी की तरह कॉम्पिटिशन को इग्नोर करके स्वीट स्पॉट पकड़ लेगा, विच इज स्मार्ट ऑल्सो, क्या वो ये करेगा, एंड काफ़ी डिलेमा इस पर भी। एंड अगेन दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि ब्राइटनेस की माकिचूत, कि इतना जो मैं चौड़ रहा था एक साल पहले लिटरी कि मॉड्रिट के पास कितने तगड़े लोन नहीं है भाई हर कोई, ऑल ऑफ अ सडन ये स्क्वाड, ये मिडफील्ड ट्रायो, ये जो प्लेयर्स जो गोल्डन जनरेशन मॉड्रिट की 3 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग, ये अभी भी है, अभी एंड में आ रही ठीक है, बट अभी भी है, क्या जो न्यूअर जनरेशन बन रही है वो कोई एंट्री नहीं, हर कोई लोन बायबैक दस क्वेश्चन, ये इंट्रीगिंग उठता है कि क्या मैड्रिड इज ऑन द रॉन्ग एंड, क्या कुछ स्क्वाड वाइज कुछ बकचोदी, कुछ तो गलत पैटर्न चल रहा है कि ये बार बार मूव्स प्रोपेल हो रहे हैं, क्या कूबो वापस आएगा तो सब कुछ फ्यूचर होगा, रोड्रिगो लाइन पे खड़ा है, विनीशियस लाइन पे खड़ा है, असेंसियो आ चुका है, ओडीगार्ड आ चुका है, क्या कूबा की क्या करेगा, या फिर वो फिर से एक्सटेंड करेगा, फिर कोई बड़ा कर उसको, तो ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है, क्या मैड्रिड इज इन द रॉन्ग एंड, क्योंकि अगेन लेट्स बी ऑनेस्ट, हकीमी फार, थियो फार, इवन रेगियन इफ ही गोस फार, सेबायोस हो सकता है फार, ये सब फार प्लेयर्स एंड दैट्स जस्ट गोइंग अवे, क्योंकि मैड्रिड में इनसे भी बेटर प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, स्क्वाड में स्टेबिलिटी लाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इट इज वट इट इज, सही ये आंसर है, इट इज वट इट इज, ये आंसर है, कुछ नहीं कर सकती मैड्रिड, कुछ भी नहीं कर सकती, क्या कर सकती है, क्या वेंचो मार्सेलो को बाहर निकाल दे भी, वो बंदा यार जब मैड्रिड गोल मारती है वो सेलिब्रेट करता है, चाहे खेल रहा हो ना खेल रहा, तो ये तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। कहा जा रहा है मॉड्रिज का भी आखिरी सीजन होगा, ओडीगार्ड वापस आ चुका है, रंगीलो मारो ढोलना, अगेन गिविंग आंसर फ्रॉम अ क्लब्स पर्सपेक्टिव, कि क्या ये जो प्लेयर्स जा रहे हैं इसमें क्लब की गलती है, नॉट रियली इन माई ओपिनियन इट्स अबाउट द प्लेयर, हकीमी की डिसीजन थी, जिडान चाहता था वो आए, बट हकीमी की डिसीजन थी कि क्या वो कंपटीशन चाहता है कारवाहल से, या फिर वो इंटर में जहाँ पे उसको, समझ लो, तो प्लेयर पे डिपेंड करता है, एंड अगेन तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट है, क्योंकि मैड्रिड स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इज द बेस्ट क्लब, एंड वहीं पे तुम्हारा फ्यूचर है, अगेन इफ यू वांट टू प्ले फॉर द बेस्ट यू नीड टू हैव दैट मेंटालिटी एंड कंपेटिटिव स्पिरिट एंड बी रेडी टू फाइट, तो ये वक्त तो प्लेयर पर डिपेंड करता है अगेन, बट अगेन इतने सारे डिपार्चर्स एक और क्वेश्चन इंट्रीक करते हैं कि क्या मैड्रिड डिप्लीट हो रही है, नॉट रियली इजी, कहाँ कुछ भी नहीं, सेम स्क्वाड है, बस हामिस गया, क्या हामिस इंपॉर्टेंट था, नहीं, बेल बैठा कोई बात नहीं, दीमक लगी पड़ी है वहाँ पे, बट मेरा भाई वापस आ चुका है ओडीगार्ड लेफ्ट फुटेड ब्यूटी के साथ, कतल रियल सोसिएडाड में हर किसी को रंडी का नाचना चाहा, वर्सटाइल है, समथिंग सिमिलर टू वैन दे बीक टू यूनाइटेड, नंबर 8 होल्डिंग का ये सब चीज़ें, विंगर खेल सकता है, फॉर एग्जाम्पल मानो बेल नहीं खेल रहा है, तो समझ लो विंगर खेले, क्या पता हाजार्ड बेंजेमा ओडीगार्ड, दिख रहे फ्लेक्सिबिलिटी मुझे अभी से दिख रही है, नॉट ओनली दैट काफी लोग बोल रहे कि इसको की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है ओडीगार्ड, नंबर 8 खेल सकता है ओडीगार्ड, भगवान है ओडीगार्ड, बट एक और मेन क्वेश्चन, क्या ओडीगार्ड वॉक्स इनटू दिस मैड्रिड टीम, नो नॉट रियली, बाप का घर थोड़ा ना, आई थिंक ही वुड और कुड डू अ फेदे वाल्वर्दे, फेदे वाल्वर्दे डिडंट वॉक इनटू दिस टीम, ही वर्कड हिज वे आउट, यू नो, फॉर एग्जाम्पल अगेन मॉड्रिच इतना अपनी है, क्योंकि हर अगेन स्क्वाड इतना डिप्लीट नहीं हुआ, मोर लेस सेम ही है, बट हर कोई एक एक साल बड़े है हो चुका है, हर किसी का एक एक साल बड़े है हो चुका है, सीजन लंबा है, प्री सीजन छोटा, कोविड ऑब्वियसली, गेम्स थिक एंड फास्ट, सब्स्टिट्यूशन चाहिए, अलग पैटर्न, अलग स्ट्रैटेजी जिडान को चाहिए, ओडीगार्ड विल ऑफर दैट, बट वेयर एग्जैक्टली वुड ही फिट, कहाँ पता नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी मॉड्रिच 4-3-3 खेलेगी तमीज से, एंड मॉड्रिच क्रूज कासेमिरो फेदे वाल्वर्दे, तुमको पता वो जो पिछले साल का तमाशा था, ओडीगार्ड वुड फिट इन, मे बी ना 4-2-3-1, मे बी प्लेयर नंबर 8 इन 4-3-3, एंड मे बी प्लेयर 4-3-3 विंगर, वर्सटैलिटी, दैट्स वॉट ही विल ऑफर जिडान की हेडेक, बट अगर उसके सोसिडार डेज को देखा गया तो वो प्रॉपर एक डीप लाइंग स्ट्राइकर टाइप था, सेकंड स्ट्राइकर बोल सकते हो तुम उसको, विच इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि हैजार्ड वुड प्ले दैट रोल टू बेंजेमा, यू नो, ये बकचोदी, एंड ना काफी लोग ये बोलते हैं कि मैड्रिड को एक स्ट्राइकर चाहिए, स्ट्राइकर्स एम्बाप्पे आ जाएगा इजी, होपफुली, बट मैड्रिड टैक्टिकली एंड टेक्निकली इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम दैन इट वॉज अंडर विद रोनाल्डो, तो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, तुमको पता है, बिल्कुल हाई लाइन मेंटेन करना, यूनिटी मिडफील्डर्स की वो चीज़ें चाहते, तुमको पता है, हम डिस्कस कर चुके, दस आई थिंक एंड आई बिलीव एंड आई होप कि ओडीगार्ड वुड डू अ फेदे वाल्वर्दे एंड दिस टीम टर्न्स आउट टू बी रियली गुड नाउ, क्या इस टीम को कोई ट्रांसफर्स चाहिए, क्योंकि अगर भी देखा जाए तो सही है, वही है सही, मतलब इधर मिलता हो सही तो है, अपना नाचो हो गया ठीक है, नाचो भी सी, फुल बैक भी सही है, ओड्रियोज़ोला वापस आ चुका है, तमीज से बात करो चैंपियंस लीग विनर,
एंड मिडफील्डर में ठीक है, मिडफील्ड मतलब कोई नंबर 8 में भी आ जाए, दानी ओल्मो का फीलिंग है, यू नेवर नो, आई डोंट नो अगर मैड्रिड कोई साइन करेगी, आई डोंट थिंक सो, एंड आई डोंट नो इवन इफ मैड्रिड नीड एनीबडी टू बी ऑनेस्ट, आई स्टिल कंसिडर, जी हाँ, दिल पे हल्का पत्थर रख के कि प्लीज हजार्ड कुड बी लाइक अ न्यू साइनिंग, जी हाँ, कितने गेम खेले, 17-18 गेम खेले थे, पता नहीं कितनी, उससे भी कम शायद से, पता नहीं, तो ही विल डेफिनेटली प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स एंड आई बिलीव एंड आई थिंक ही विल बी एट द टॉप ऑफ हिज फॉर्म एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तुम इससे देखते हैं। अगेन इतनी हाइप नहीं, इतना ट्रांजिशन नहीं हुआ मैड्रिड का इस सीजन, इतनी मेजर साइनिंग्स नहीं हुई, ऑब्वियसली सिर्फ ओडिगार्ड और ओद्रियोज़ोला वापस आया, लुनिन लाउडिन वापस आया, तो आई डू एक्सपेक्ट दिस इज एन अपग्रेड फ्रॉम प्रीवियस सीजन, आई थिंक दैट डेफिनेटली, एंड इफ दे वन द लीग विद दैट स्क्वाड्रन, अभी बारसा भी काफी टॉप सीटर भी चल रहे, तुमको पता है, आई डू एक्सपेक्ट मैड्रिड टू डू रियली वेल दिस सीजन टू, आई डू एक्सपेक्ट देम टू बी हाई इन द चैंपियंस लीग, आई डू एक्सपेक्ट देम टू कम्पीट इन एवरी कॉम्पिटिशन एंड डू वेल, आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड, आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड, आई बिलीव इन ज़िडान, कुछ मेरे को सही बताऊँ, कोई नेगेटिविटी नहीं, ना कोई प्लेयर की जरूरत, कुछ सब ये सही है, बट टिल देन आई एम एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट, टट्टे चाटना सीरीज विल बी बैक इन फुल फोर्स, पहली गेम अगेंस्ट हेताफे इज नॉट हैपनिंग, अगेंस्ट रियल सोसिडाड होगी, ओडिगार्ड फॉर्मर क्लब है, ओडिगार्ड